हाउ रिच गेट रिच, ये जो अमीर लोग होते हैं भाई ये करते क्या है, कि मतलब कैसे मतलब इतना ऊपर लेवल तक रुपए कैसे कमाते हैं, ये कुछ है। अब ये कुछ क्या है, ये कुछ शायद लक भी है, थोड़ी साइंस है, और ये साइंस मेंशन है इस अमेजिंग बुक में जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और इसको लिखा है इस अमेजिंग इंसान ने जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक में मैं इस वीडियो में सारी बुक कवर नहीं कर सकता, मैं उसके लिए आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो अगर आप चाहो तो उसकी सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे इस चैनल को। बट इस चैप्टर इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा। तो अगर आप तक जो भी मैंने बोला अगर आपको अच्छा लगा तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ रिच गेट रिच। यार लेट्स स्टार्ट। सेकंड चैप्टर की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी की कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। तुम कितने पैसे बनाते हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, तुम उस पैसे को कैसे यूज करते हो, कैसे संभाल रखते हो, उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, इसको समझने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज है एसेट, एसेट और दूसरी चीज है लायबिलिटीज। अब ये एसेट क्या होता है, देखो एसेट होता है कुछ भी ऐसा जो हमारी जेब में पैसा ला रहा हो। क्या कर रहा हूँ, ला रहा हूँ, तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, पैसा आ रहा है, तुम अमीर बन रहे हो, मजा आ रहा है, पार्टी हो रही है। So, कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा ला रही हो वो होता है एसेट। जो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है भले आपको उसके लिए काम करना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको उसके लिए काम करना पड़े या ना करना पड़े, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपने स्टॉक मार्केट में सर कुछ पैसे डाल दिए, सर या मैम रेस्पेक्टिवली आपने कुछ पैसे डाल दिए, ठीक है। लेट्स सपोज आपने डाल दिए 20,000 रुपए और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उस कंपनी के शेयर्स के रेट ऊपर गए तो 20,000 रुपए आपके हो गए 1,00,000 रुपए, तो 5 times हो गई आपके पैसे। तो क्या आपने इसके लिए काम करा, तो आपने स्टॉक मार्केट को ऊपर चले जाने के लिए कुछ नहीं करा, वो अपने आप गया। सो वहां पे आपने उस पैसे के लिए काम ही करा, पैसे ने आपके लिए काम करा। तो ये था आपके ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके पास एक अच्छा खासा घर है, आपने उस घर को किराए पे चढ़ा दिया, आपके पास वहां से कुछ हर महीने का रेंट आ रहा, तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए कुछ मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो अपने आप मनी आपके पास आ रही, तो वो होम क्या हो गया, आपके लिए एसेट हो गई, वो जो रियल एस्टेट हो गई वो आपके लिए एसेट हो गई। सो अब लायबिलिटी समझते हैं। लायबिलिटी का मतलब सिंपल सी चीज जो आपकी जेब में से पैसा निकालती है। सो अब तक हमने क्या समझा, देखो एसेट मतलब जो जेब में पैसा डाल रहा हो, चाहे उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा लायबिलिटी, जो मेरी जेब में से पैसा निकाल रही हो। थोड़ा सा और समझते हैं इसको, डीप में जाते हैं इस बुक को, थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। तो साइड में ना कुछ मजेदार सी इमेज दिख रही होगी, कुछ दिख रहा है कि जो कभी कुछ ध्यान अगर साइंस में हो तो पढ़ाता है, एरो ये वाले एरो तो नहीं देखे होंगे लेंस वेंस के रे डायग्राम में, बट यहाँ थोड़ा आ जाओ, थोड़ा दिमाग खोलने वाली बात है। तो देखो नीचे आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, जिसमें आपकी एसेट और लायबिलिटीज बैलेंस होती है। वो चीजें जो आपको पैसा देती हैं और वो चीजें जो आपसे पैसा लेती हैं, ये आपका बैलेंस होती है। ऊपर क्या है इसकी, बिल्कुल ये है आपका इनकम स्टेटमेंट, कि सर आपकी इनकम कितनी है और आप उसको कैसे एक्सपेंस करें, मतलब कैसे उसको स्पेंड करते हो, आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं। एसेट क्या करेगा, देखो एसेट क्या करेगा, जो एसेट वाला कॉलम है वो वहां से हमारी इनकम को बढ़ाएगा। जैसे मैंने कहा एसेट आपको पैसे देता है, एसेट आपकी पैसिव इनकम है, एक एडिशनल इनकम है, यहां तक समझ में आ गया। लायबिलिटी क्या करेगी, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगी, आपको पैसा खर्च ज्यादा करवाएगी, तो लायबिलिटी एक्सपेंसेस वाले कॉलम में चली गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आए, वो आ गया होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप अपने एसेट को और लायबिलिटीज को कैसे मैनेज करते हो, देख रहे हो मैनेज करते हो, उसी का पूरा खेल है कि आप फाइनेंशियली किस कंडीशन में हो, क्या आप एक रिच पर्सन हो या मिडिल क्लास हो या फिर आप पुअर हो। सो इसको रॉबर्ट कियोसाकी इसमें बताता है, तीन चीजों पर डिवाइड करते हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर, एक ही करके सबको समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। सपोज एक पुअर माइंडसेट या फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, उनका कैश फ्लो कैसा होता है, कैश फ्लो कुछ उनका ऐसे ऐसे चलता है। देखो हमको सबसे पहले उनके पास क्या होता है, उनके पास जो इनकम सोर्स होता है वो इतना ही होता है कि उनकी से एक्सपेंसेस हो पाए, ना उनके पास इनफ इनकम होती है फॉर एसेट ना होती है लायबिलिटीज, तो ये एक पर्टिकुलर लूप में अटक जाते हैं। इनकम आई, इनकम से एक्सपेंस हो गया,
खत्म, ना एसेट है ना लायबिलिटी, कुछ नहीं है। जैसा आप इसमें देख सकते हो कि इसमें की इनकम के बाद एक्सपेंसेस है, एसेट वाला कॉलम और लायबिलिटी वाला कॉलम पूरा खाली है। अब आते हैं सेकंड पे जो है मिडिल क्लास, इनके पास इनकम है और ये उसको अच्छी जगह यूज कर सकते हैं, बट ये लायबिलिटीज ले लेते हैं। उनको लगता है ये एसेट है बट ये होते लायबिलिटीज है, ये उनसे पैसा खींच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं गाड़ी ले ली, फॉर एग्जाम्पल कुछ नया घर सा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन ले लिया, उसके लिए ईएमआई है, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, ये सब चीजें उनकी लायबिलिटीज बन जाती। तो अगर आप एक मिडिल क्लास तक देखोगे तो उनकी जो इनकम आती है उनकी इनकम आती है, बट उनके एक्सपेंसेस कॉलम बहुत ज्यादा है, एसेट उनके पास है नहीं, लायबिलिटीज उनके पास है, तो उनकी लायबिलिटीज उनके एक्सपेंसेस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है। फिर उनकी इनकम आई वो इनकम उनकी पूरी एक्सपेंसेस में चली गई ज्यादातर, क्योंकि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा थी और उनके पास एसेट एक भी नहीं था। ठीक है, अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व ना? नो, क्योंकि अगर इनकम बढ़ी तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर किसी की इनकम 10,000 है और एसेट बिल्ड नहीं कर रहा, वो लायबिलिटीज ले रहा है, एक्सपेंशन कर रहा मतलब एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है अपने, तो अगर कल को उसकी 10,00,000 हो गई तो उसके एक्सपेंसेस 9,00,000 रहेंगे, 9,50,000 रहेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं द रिचेस्ट कॉलम, हाउ रिच मेंटेन देयर मनी। अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें हैं एसेट कॉलम में, लायबिलिटीज है बट उन्होंने कब खरीदी लायबिलिटीज, जब उनके पास एनफ एसेट थी, वो एनफ एसेट्स उनको इनफ मनी दे रहे थे, उनकी इनकम प्रोवाइड कर रहे थे, वहां से फिर उन्होंने कुछ लायबिलिटीज खरीदी, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास इतने एसेट्स हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं इन सब लायबिलिटीज। वो ये नहीं कह रहे लायबिलिटीज मत खरीदो, बट आपके पास इतने एसेट होने चाहिए कि आप उस लायबिलिटीज को अफोर्ड कर पाओ। ये फर्क है, पहले वाले में क्या था कि उनके पास जो मनी थी ना वो एसेट खरीद पाते ना लायबिलिटीज, दूसरे में लायबिलिटीज लायबिलिटीज थी मिडिल क्लास में, रिचेस में एसेट ही एसेट भरे पड़े हैं उनके भाई बैलेंस शीट में अगर आप देखो। तो ये बेसिक से जो कैश फ्लो पैटर्न है इसमें हम ये देख सकते हैं धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में कि हमारे साथ क्या सीन है, हम किस में आते हैं, फिर हम शायद अपनी कंडीशन को इम्प्रूव भी कर पाए। अच्छा देखो क्या है कि एक छोटी सी मैं लास्ट ये वीडियो में फिनिश कर रहा हूँ, ऐसे ये मैं समझाना चाह रहा था, बट एक लास्ट में छोटी सी चीज में जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी कंडीशन पे आप कुछ भी सैलरी है कुछ भी करते हो, ठीक है, एक ऐसा एसेट जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप कर सकते हो, वो एसेट के बारे में मैंने बात करी है यार पॉडकास्ट के एपिसोड में, तो अगर आप चाहो तो वहां पे जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, Spotify पे है, Apple Podcast पे है, आप सुन सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सर IPM मैम रिस्पेक्टिवली अगेन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं यहाँ पे ऐसी बुक्स समरी और इंस्पिरेशनल कंटेंट डालता हूँ। That's how it is. This was Utkarsh Malhotra signing off.